यहाँ पे जहाँ जहाँ फ्री का सामान मिल रहा 32 लाख रुपीज की ये मशीनरी है भाई। और यहाँ पे भाई साहब हवा फेंक रहा बढ़िया करके, स्टडी मटेरियल वेरी स्मूथ। और भाई यहाँ पे खड़ी है फरारी। कॉम्प्यूटेक्स के बाहर पहुंच चुके हैं, अंदर अभी जा रहे हैं और बाहर से आपको दिखा देता हूं एक बार। यहां पे देख सकते हो एनवीडिया का बोर्ड लगा रखा पूरा और यहां किंगस्टन का ट्रक खड़ा है। एंटर हो चुके हैं और ये कार्ड मिल गया हमारे को वेनम स्टेक के नाम का। कैमरा मैन हार्दिक वाली हम निकल चुके हैं कॉम्प्यूटेक्स से और भाई अब कैब का वेट कर रहे हैं एंड बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया एकदम से ना। मतलब अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी, लाइनस भैया से हम मिल लिए और यहाँ पे भाई मौसम भी बढ़िया हो रहा, बादल बादल वाला सीन है और इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा शहर का क्या ही तगड़ा है। इधर दो उंगलियां छुआ के यहाँ पूरा खड़ा कर दिया ऊपर तक। 2 hours later फाइनली बहुत ही मुकश क्या होता है वो मशक्कत, अबे साले हाँ, बहुत ही ढूंढने के बाद मतलब मोक्स करके हमारे को एक रेस्टोरेंट मिला जिसमें इंडियन फूड मिलता है और यहाँ पे ना जो ऑनर है वो भी इंडियन है और जो शेफ है वो भी इंडियन है और हमने हिंदी में ऑर्डर किया भाई। सॉस नहीं, हरी चटनी बोल रहा, हरी चटनी ले आइए। कह रहा हरी चटनी ले आइए भाई साहब। और भाई रेस्टोरेंट ये वाइब देखो तुम यार, क्या ही बढ़िया लग रहा है एकदम, पूरी इंडियन वाइब, सारा फर्नीचर कह रहा इंडिया से लाया भैया। और ये चावल में बासमती दे रहा साथ में, ऐसे नहीं टूटे टटे चावल देते हैं भाई साहब ताइवान में ना, बासमती। ये मंगाया भाई साहब हमने आलू टिक्की के छोले, जरा खा के भी देख लो कैसे। ओहो इंडिया आ गया भाई साहब मुंह के अंदर। भाई अपना दाना पानी हो चुका बढ़िया, मोक्ष करके रेस्टोरेंट था कोई भी ताइवान आया ना कभी भी उस पे जरूर जाना भाई, प्योर इंडियन फूड है वहाँ पे। और भाई यहाँ पे हम 7-Eleven में, जैसे 24/7 नहीं होता इंडिया में वैसा स्टोर है। और यहाँ पे ना अभी मैं अंगूर देख रहा था, ये अंगूर है, इसे अंगूरा अंगूरा नहीं कहते, इसे ग्रेपा। और यहाँ पे वैसा कोई जद नहीं है वेज खाने की, सब नॉन वेज। और नॉन वेज के नाम पे एक और चीज दिखाऊं, यहाँ पे लेज के भी नॉन वेज फ्लेवर हैं और एक यहाँ पे लॉबस्टर लॉबस्टर पता नहीं क्या क्या भाई साहब, हर चीज में तो इन्हें वो मांस मच्छी चाहिए। आज तो मैं यही खाऊंगा, इसकी शक्ल देख लो लगता है ना मैं यही सब खाता होगा। ये इसे देख के तो मेरा जी कच्चा हो गया, लेज का चिकन सूप विद कोकोनट मिल्क फ्लेवर है भगवान, फिर कह मैं कोरोना क्यों फैल रहा यार। वैसे मैं सारा कुछ कवर करने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हमारी ना कुछ वीडियोस भी प्लान है तो वीडियो शूट करने के चक्कर में व्लॉग नहीं मैं कर पा रहा, तो अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। हमने अभी जस्ट किंगस्टन का शूट किया है और मैं ग्रैंड हयात आया हूँ। ग्रैंड हयात के बाहर जो मैंने सीन देखा है आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये लेक्सस का मॉडल देखो, उसके बाद भाई यहाँ खड़ी है टेस्ला और ये खड़ी है भाई जी वैगन और भाई यहाँ पे खड़ी है फरारी। मैं का भाई महंगी वाली बातचीत, आपको कभी भी लाइफ में गरीब फील होना हो आप ताइपे आओ, आपको फील होगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सबने देखना बुरी बात नहीं है, पूरे हो या ना हो। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यहाँ पे ना बहुत बड़ी बिल्डिंग है ताइपे 101 करके और मैंने कहा भाई कितनी बड़ी होगी देख लेंगे जरा, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेरे सामने पर वो इससे भी बड़ी है। ए भाई साहब वो जरी ठाक लाओ, ये तो मियां खलीफा भाई साहब वो मियां खलीफा नहीं बुर्ज खलीफा होता है, इनकी सोच ही गलत है। अब हम ताइपे 101 जाएंगे, ये बेसिकली एक मॉल है, देखते हैं कैसा है, खरीदना हमने कुछ है नहीं। और यार मैं आज ही व्लॉग कर पा रहा ढंग से ना, शहर बहुत बढ़िया है, जैसे गेम वगैरह में देखते हो ना हांगकांग को या फिर चाइना को, बिल्कुल वैसी लाइटिंग वाइटिंग, साफ सुथरी सड़कें, एकदम महंगी महंगी गाड़ियां, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स। ओहो ये हमारी राइड खड़ी है आज के लिए, ये खड़ी हमारी राइड, ये चलो भाई साहब इसके पहिए मोड़ दो बैठ के। ओ यहाँ पे एकदम ऐसा मत बैठ भाई, कोई चलान ठोक देगा हमारे ऊपर। चलान भी बड़े महंगे हैं, बहुत महंगे हैं यहाँ पे, पता नहीं कुछ कुछ चीजों के लिए तो फांसी की सजा सिद्धी, कोई बात ना चीत कह रहे भाई साहब लटक जाओ। यहाँ पे एक भी गाड़ी हॉर्न नहीं बजाती, देखो एक भी हॉर्न सुना नहीं दे रहा इतनी देर से मैं व्लॉग कर रहा हूँ और वो भी सड़क पे चल के, है ना बढ़िया व्लॉगिंग की सिटी। और सामने रेड लाइट है तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, अगर क्रॉस करेंगे तो चलान कट जाएगा। इंडिया की तरह नहीं भाई साहब, कहीं भी पलटे फिर रहे सड़क के बीच में से, हाथ करा और सड़क क्रॉस कर ली। और भाई मॉल के बाहर में देख रहा था अभी, इन्होंने ना पेड़ को 3 साइड से बांधा हुआ है जितने पेड़ है, एक्चुअली यहाँ पे ना आंधी वगैरह बहुत चलती है तो उस वजह से पेड़ गिर ना जाए तो बांध दिया इन्होंने जड़ से, कह रहा आप गिर के दिखा दू। सो वी आर हियर एट ताइपे 101, वही वाली जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा था ना उसकी एंट्रेंस है, अभी अंदर जाकर दिखाता हूँ कितनी बड़ी है, बाहर से तो बहुत बड़ी लग रही थी। और भाई साहब क्या बातचीत है, और घुसते एकदम एप्पल का स्टोर, बट यहाँ पे एप्पल का हर एक लाइनअप, हर एक प्रोडक्ट, हर एक फोन, हर एक स्मार्ट वॉच जो एक्चुअल चल रही है आज के, जो बंद नहीं हुई है वो सब यहाँ पे मिलेगा। जमीन जायदाद सब बेचनी पड़ेगी ये सब खरीदने के लिए, क्या मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर चला के दिखा दूंगा तो सबको ऐसा लगेगा मुझे बहुत कुछ आता है, तो आता है। क्या आता बताइए जरा, देखो अभी ये गाना है, हाँ गाना है, ये तूने प्लेस करा है, ये तूने प्लेस करा है, चल छोड़ दे चला रखे, मैकबुक हमारे पास भी है, चल चल चल। और यहाँ पे भाई ये वाले 60,000 वाले हेडफोन और यहाँ पे सारे कलर्स हैं, ओहो हो ये तो बड़ी महंगी बातचीत होगी, बाली सारे ले ले कट्टा था, ये खोल किंगस्टन का कट्टा और बल्ले इसके अंदर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, पर के जोर से बता हमने क्या भाई किया, कुछ भी नहीं, हम एंड्रॉइड यूजर है। और यहाँ पे भैया ऐसा हिसाब किताब है कि बस हम सिर्फ देख सकते हैं, दुआ करो फ्यूचर में तुम्हारा भाई ये सब अफोर्ड कर पाए।
सब्सक्राइब टू वेनमस्टेक, डिजिटल भीख मांग रहे हैं भाई। हमारे साथ धोखा हो गया, बाहर इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखाई थी और यहाँ पे बस पांच ही फ्लोर है, उससे ऊपर कह रहे भाई साहब अब तो नीचे चले जाओ, यहाँ पे ऊपर जाने का कोई बटन नहीं है। फिर ये 101 कह रहे हैं, 100 फ्लोर कह रहे हैं और पता नहीं क्या कह रहे हैं। हमारे बाली भाई साहब की ना एक रिक्वेस्ट है, क्या कह रहे थे भाई साहब? गड़ी हो जाती इस ब्रांड का नाम लेके दिखा सही से, जा तुझे गड़ी दिला दूंगा। भाई जिसका तू नाम नहीं ले पा रहा उसकी गड़ी लेके करेगा क्या भाई तू? फायर बोल्ट की स्मार्ट वॉच या चल भाई साहब औकात पे आ जाओ, फायर बोल्ट ठीक है। देसी गरवाड़े जो टॉप फ्लोर की मैं बात कर रहा था ना, 101 जो ये मॉल है, सबसे ऊपर जाने के लिए भाई साहब टिकट है जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 2400 रुपीज है, सिर्फ ऊपर जाके शहर का व्यू देखने के लिए। मैंने कहा मैं मसूरी जाके देख लूंगा देहरादून में, मैं नहीं जा रहा इतने पैसे खर्च के। वही जिंदगी चल रही है हमारी, होटल जाओ, होटल से उठो, फिर से कॉम्प्यूटेक्स आ जाओ, और हम फिर से आ चुके हैं। आज है हमारा तीसरा दिन, और जो गाड़ी दिखाई थी MSI की AMG मोटर स्पोर्ट वाली, इट इज पार्क्ड हियर आउटसाइड कॉम्प्यूटेक्स। भाई गाड़ी देख रहे हो तुम तो, आज जाएंगे अंदर और बूथ देखेंगे और क्या क्या है, कुछ स्पेशल, कुछ नया, कुछ अतरंगी। जो गीगाबाइट का बूथ है ना भाई, वो बहुत ही बड़ा है, बाहर पूरी ऐसे स्क्रीन टाइप लगा रखी है, उस पर एनिमेशन चल रही है, और इतना तगड़ा बूथ। ये गीगाबाइट का पूरा गेमिंग वाला स्टेशन है जहाँ पे सारे PC बिल्ड्स हो रखे हैं इनके, उधर GPUs हैं, मदरबोर्ड्स हैं, एंड इधर हमारे सारे गीगाबाइट के लैपटॉप्स हैं। और यहाँ पे भाई और उसका PC बिल्ड हो रखा है, i9 3900K लगा हुआ है, 4090, और साइबर पंक का गेम प्ले यहाँ पे चल रहा है। मैं भी खेल के देख रहा था भाई, यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स कर दी, रे ट्रेसिंग साइको, और क्या ऑन करा तुमने? पार्ट रेसिंग। हाँ, और उसमें यहाँ पे 17 से 18-19 FPS आ रहे हैं। समझ रहा साइबर पंक मतलब किस लेवल की चीज है, अब इसको अनऑप्टिमाइज्ड कह लो या फिर कह लो कि भाई साहब ये चूसने वाला हिसाब किताब है, आपके सिस्टम को। और ये भाई स्मार्ट ट्रेडमिल MSI का, यहाँ पे सामने वीडियो चल रही है और ऐसा लग रहा है मैं रियल में चल रहा हूँ। अगर इस पे एक VR हेडसेट और लगा देते ना तो एकदम रियल वाली फीलिंग आती है कि हम आउटडोर में ही वॉक कर रहे हैं। ये एक ऐसा लैपटॉप है जो आपको कंधे पर उठा के घूमना पड़ेगा, पूरी टैची लगा रखी है। यहाँ पे लियनली के बूथ पे ना मैं केस देख रहा था, और भाई साहब ये तुम केस देखो क्या ही तगड़ा, ऐसा लग रहा है गोल्ड का केस बना हुआ। और इसके अंदर जो लगा रखा ना सिस्टम बाजी पूरी गोल्ड वाली है, इसमें जो फैन के कलर है वो भी गोल्ड का रखे हैं, और जो पाइपिंग सॉल्यूशन है वो भी गोल्ड है, तो पूरा पूरा वाटर गोल्ड है, और एकदम ऐसा लग रहा है ना दुबई के शेख का PC हो। हाइट एडजस्टमेंट वाली टेबल, यहाँ पे लिखा है डो नॉट टच, चिड़िया उड़ तोता उड़। ओ हो, वाटर कूल्ड PC भाई साहब, पंखे उनके चल रहे इसमें छोटे छोटे से, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। क्या करना जी, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, सीट ऐसी तो रेसिंग कार वाली फंस गया हूं मैं, इसका हैंडल देख रहा तगड़ा लग रहा है। इसके अंदर सीट पता क्या है, इसका सिमुलेटर है तो इसके अंदर ब्रेक और एक्सीलेटर बिल्कुल रियल फील दे रहा है, और जो इसका हैंडल है ना, कच्चे रास्ते पे गाड़ी उतरती है ना पूरी गाड़ी हिल जाती है, तो तेज स्पीड पे इसका हैंडल संभाला नहीं जाता, और जब मोड़ रहे ना ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल सड़क नहीं होती, और टाइट टाइट गाड़ी मुड़ रही है, पूरा टाइट टाइट मामला। हमारे बाली भाई साहब कह रहे हैं हम भी चला के देखें गाड़ी। ओए, ये बहुत टाइट है। हाँ, जैसे तू गाड़ी स्लो करेगा ना तो लूज हो जाएगा, ब्रेक दबा के देख। हाँ तो वो रियल है, अगर तो टाइट दबाएगा तो ही दबेगी। वो कह रहा है F1 गाड़ी की ब्रेक ऐसी होती है। यहाँ पे भाई G-Skill के बूथ पे आए हुए थे, यहाँ पे इन्होंने CPU क्लॉक स्पीड 7000 यानी कि 7 GHz तक कर रखी है नाइट्रोजन कूलिंग के साथ, और यहाँ से देख रहे हो ऊपर एकदम धुआं हुआ निकल रहा है, फुल एकदम ठंडक वाली बातचीत। और जिसकी DDR5 RAM है वो 10000 MHz क्लॉक स्पीड तक बूस्ट कर रखी है, तो अभी इतनी ठंडक तो चाहिए चाहिए। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के PC बिल्ड है, ये देख रहे हो कैसा गंदा सा PC बिल्ड। यहाँ पे अंदर पंखे लग रखे हैं, और यहाँ पे इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, और पता नहीं किस टाइप की PC बिल्ड है, यहाँ से धुएं हुए निकल रहे भाई साहब। और अंदर डिस्प्ले लगी हुई, पानी मछलियाँ पता नहीं क्या क्या, एक्चुअली वो डिस्प्ले है नकली है सब, मछली वछली वगैरह, लेकिन ओवरऑल लुक क्या तगड़ी है यार इसकी। एक ये वाला PC बिल्ड देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे कसीनो में गेम नहीं लगी होती। एक इन्होंने ग्रीन सा PC बिल्ड कर रखा है एकदम मिलिट्री वाला डिजाइन, और सारे वाटर कूल्ड है, और एक PC बिल्ड इन्होंने लावा वोल्केनो में बना रखा है अंदर डाल के सब कुछ। कह रहे हम नहीं दिखाएंगे बाहर क्या है, और सबकी स्पेक्स वगैरह वही है, सबके अंदर ज्यादातर i9 i7 ही लगे हुए हैं, 4080 4090 वगैरह। और भाई ये वाला PC बिल्ड क्या जबरदस्त, पूरा यहाँ पे बाहर पानी पानी है इसके अंदर, पानी पानी, और अंदर स्टील व्हील के पाइप लगा रखे हैं। पीछे की तरफ भी अगर आप ध्यान से देखोगे फुल पानी वानी भर रखा है। और ये PC बिल्ड देखो, इसका जो बाहर का ग्लास है ना, ये बेसिकली एक डिस्प्ले, और डिस्प्ले के ऊपर एक एनिमेशन चल रही है यहाँ पे, लग तो तगड़ा रहा है यार। और एक यहाँ पे PC बिल्ड हो रखा है जिसके अंदर से लिक्विड निकाल के दे रहा है भाई पिलाने के लिए लोगों को, पता नहीं पानी है क्या है क्या नहीं है। और एक और यहाँ पे कसीनो वाली मशीन लगा रखी है, ये भी PC बिल्ड है भाई साहब। और भाई यहाँ पे ROG Ally भी है, यहाँ पे ROG के बूथ पे आए थे हम, और एक आधा नहीं इतने सारे हैं यहाँ पे, सब लोगों ने पकड़ रखा है, हमें कोई देख के राजी नहीं है भाई साहब। ए भाई साहब हम खेल सकते हैं क्या? गले यू क्या कर रहा भाई? हेलो भाई, आरोजी वाला पीछे हट जाओ, यहाँ मत खेलो फिर तुम मंगवाओगे नहीं से। नहीं मंगवाऊंगा मैं यार। अरे चल लो यार, कौन सी गेम लगा ली अब? डाइंग लाइट इसके अंदर, और गेम एक आता गेम तो टेस्ट कर ले यार, पता तो लगे परफॉर्मेंस कैसी है, ले ट्राई करके दे।
आरओजी की बात चल रही थी, आरओजी के बूथ पे आए हैं। यहाँ पे भाई साहब स्ट्रिक्स सब लगा रखे लेटेस्ट जनरेशन, और यहाँ इस कोने से लेके उस कोने से लेके यहाँ तक लैपटॉप ही लैपटॉप और पीसी पीसी। और इनका बूथ यार इतना सुंदर बना रखा है ना, जो आरओजी एलआई का वेट है ना वो 608 ग्राम्स है। तो 608 ग्राम्स इन्होंने कैसे अचीव किया, उसके लिए डिसअसेंबल दिखा रखा है, लाइक डिस्प्ले सेपरेट, बॉडी सेपरेट, उसका मदरबोर्ड, अंदर का चिपसेट, सारी डिसअसेंबल इमेज दिखा रखी है। और इसका थर्मल सिस्टम भी तगड़ा है भाई, डुअल फैन वाला सेटअप है, स्टीम डेक के अंदर सिंगल फैन वाला है। बाकी असली औकात तो तब पता चलेगी ना जब एक्सेसरीज वाली वीडियो में पटक के मारेंगे, जैसे स्टीम डेक को फेंक के मारा था वो बच नहीं पाया था। और यहाँ पे जो MSI का बूथ है भाई, वो उसका भी अलग ही लेवल है यार। यहाँ पे बीच में इन्होंने बड़ी सी बॉल टांग रखी है, चारों तरफ लैपटॉप ही लैपटॉप। अभी हम ASRock के बूथ पे आए और यहाँ पे भाई इतना बढ़िया सिस्टम लगा रखा है इन्होंने। यहाँ पे फ्लोर पे भी RGB है और पूरा एक सिमुलेटर टाइप बना रखा है, इसमें गेमिंग है। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ। और ये जो एरिया है ना, इसके अंदर पूरी 3 स्क्रीन लगा रखी है और ये सिस्टम लगा है जिससे गेमिंग हो रही है। वाटर कूल्ड भाई साहब, हर चीज फ्लैगशिप भाई। ये जो पूरा सेटअप बन रखा है ना, इसका ना रिमोट है साथ में, और रिमोट में ना पूरी एडजस्टमेंट है, लाइक सीट की और सामने स्क्रीन है, इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अय्याशियों वाली बात है। यहाँ पे PNY के बूथ पे है एक रेसिंग सिम्युलेटर, और ये पूरा का पूरा हाइड्रोलिक्स वाला है। मतलब इसके अंदर जैसे गाड़ी वाली टक्कर वक्कर खाएगी ना, तो ये पूरे सॉकर वॉकर इसके मूव करेंगे, और ये सीट भी आगे पीछे हो सकती है। आओ भाई साहब, हम भी एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फरारी वाला स्टीयरिंग है, उसके ऊपर बन रखे दुनिया भर के बटन, सामने लग रखे कर्व स्क्रीन, एंड इसके अंदर ना पूरा हाइड्रोलिक्स वाला हिसाब किताब है। तो जैसे अड्डे वड्डे आएंगे ना, तो पूरी गाड़ी उछलेगी। ठोक दे। पूरा सिम्युलेटर है ना ये, $40,000 का है, जिसमें पीसी स्क्रीन स्टेयरिंग व्हील सब इंक्लूडेड है, यानी कि 32 लाख रुपीस की ये मशीनरी है भाई। चलो कितनी बेच के आते हैं, पड़ोसी को भी बुलाओ, चाय मिली फ्री, चाय बोलो। यहाँ पे जहाँ जहाँ फ्री का सामान मिल रहा ये फटाफट कोई भी कुछ लेके खड़ा हो ना, यहाँ पे ना ऐसा हर बूथ पे कुछ ना कुछ मिलता रहता है। ये जाता है, लाओ भाई साहब, कुछ फोटो लाइक कर दे दी कुछ। हाँ वो कह रहे हैं कहीं पे फॉलो कर दो, एक जगह कह रहा 40-70 में निकल जाएगा उनका पेज लाइक और फॉलो करना था। मैं कराया, मैं कहा अच्छा इतनी अच्छी किस्मत है तेरी, और निकल गया फिर वैसी मैंने दाढ़ी शेव कराई है। लग रहा ना साउथ का गंदा सा विलन। हाँ पौड़े, आप जूते पैरों में पहनते होंगे, यहाँ पे जूतों के अंदर पीसी बन रखे हैं, एक सफेद एक लाल, दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहनो, फुल FPS मिलेंगे पैरों से। तो यही है फ्यूचर टेक्नोलॉजी, पहले डिजाइनिंग नॉर्मली PC पे बैठ के होती थी, अब VR लगा के भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भाई हमारे कार के कलर डिजाइन कर रहे हैं, डिफरेंट सीट का कलर, इंटीरियर एक्सटीरियर, कारपेट एनवायरनमेंट, हर चीज VR में अगर करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेटली हो पाएगी। सो दिस इज द फ्यूचर। तो यहाँ पे काइल का बूथ भी है, काइल जिसको नहीं पता, इनके स्विचेज आते हैं लाइक माउस वगैरह और कीबोर्ड वगैरह, हमने काफी रिव्यू भी किया है चैनल पे, तो बताता हूँ काइल के स्विचेज हैं। हम तो रेड ब्लू और ब्राउन में रहते हैं भाई, इनके पास अनलिमिटेड स्विचेज हैं अलग अलग कलर के। यहाँ पे माउस के स्विचेज दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ बोर्ड के स्विचेस हैं, और यहाँ पे इन्होंने फील लेने के लिए दे भी रखा है बोर्ड पूरा ना, तो जो भी बटन आप प्रेस करते हो उसकी फील आएगी, और यहाँ पे लाइट भी जलती है भाई। एक बड़ा अच्छा ब्रांड मिला हमारे को यूनिटेक करके, इनके पास ना कंसोल वाली एक्सेसरीज है, और अभी निंटेंडो स्विच की एक एक्सेसरी देख रहा था मैं, जैसे निंटेंडो स्विच में ना हम एक ही गेम लोड कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक्सेसरी है जो इसके गेम कार्ड में कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे हम टोटल 4 गेम्स लोड कर सकते हैं। बेसिकली ऊपर गेम्स लोड है और नीचे स्टोरेज है, तो यानी कि 4 गेम्स यहाँ पे रख दी हमने लगाने के लिए, और चारों गेम इसके अंदर साइड बाय साइड आ जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंट डॉकिंग स्टेशन है, कूलिंग पैड्स है, एंड यहाँ पे कूलिंग सिस्टम भी है स्टीम डेक के लिए, जिसके अंदर भाई फैन वैन लगा रखा है, फुल ठंडा वाला माहौल है। और ये एक हमारा डॉकिंग स्टेशन भी है, जिसके अंदर सारे पोर्ट्स वोर्ट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए, कनेक्शन के लिए, और बड़ी स्क्रीन पे खेलना हो तो HDMI DP LAN पोर्ट वगैरह का भी पूरा सिस्टम है। और यहाँ पे भाई साहब हवा फेंक रहा बढ़िया करके। इसके अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर लगा रखा है, जो फ्रिज के अंदर हिसाब किताब नहीं होता, तो ये वाला जो मेटल का पार्ट है ना भाई बिल्कुल चिल्ड हो रखा है, एकदम ठंडा। तो जब ये ठंडक आपके स्टीम डेक के पिछवाड़े में लगेगी तो एकदम ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा। इनसे अभी हम बात कर रहे थे इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनसे बात करके इतना अच्छा लगा, दे जस्ट गिफ्टेड अस दिस प्रोडक्ट, थैंक यू सो मच भाई। कलाकारी की तो पूरी हदें पार है यहाँ पे कॉम्प्यूटेक्स में, क्या नेक्स्ट लेवल PC बना रखा है भाई, ऐसा लग रहा है अभी ये उड़ जाएगा हवा में। और भाई इसका बूथ देखो यार, कितना ही सुंदर बना रखा है, मतलब मैं एक की तारीफ करता हूँ फिर मुझे लगता है अगला और इससे क्या ही सुंदर होगा। और यहाँ पे फुल ऑन मॉनिटर वगैरह लगा रखे, सब लोग गेमिंग कर रहे हैं। और ये रहा लैपटॉप, भाई साहब गेमिंग कर लो, बाली बाली कह रहा अड़जो पीछे मैं गेम खेल लूंगा। तो यहाँ पे डिफरेंट पीसी बिल्ड्स हो रखे हैं, और यहाँ पे इन्होंने ना एक स्पेशल लैब बना रखी है, जिसके अंदर ये साउंड का ना डेमो दे रहे हैं अंदर बिठाए गेमिंग करने के लिए। लेकिन भाई इतना बड़ा क्यू लगा हुआ है, मेरे पास अभी टाइम नहीं अंदर जाने का, हमें निकलना है, खत्म होने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है, लास्ट डे आज कॉम्पिटेक्स, मुझे सब कवर करना है। मैं नहीं गेमिंग की दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग ROG फोन
भाई एक बार बता वाली 144 हर्ट्ज डिस्प्ले का फायदा क्या है फोन के ऊपर, चलो मुझे फायदा बताओ। स्टडी मटेरियल वेरी स्मूथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये था लास्ट दिन June 2nd और कॉम्पिटेक्स हो चुका है खत्म। और ये जगह भाई साहब इमोशन यार इमोशन, इतना कुछ नया देखने को मिला, मजा बड़ा आया भाई साहब। और कल को हमारी फ्लाइट है क्योंकि जितना कवरेज करनी थी कर ली तुम्हारे लिए, एंड इसके बाद मैं कोई व्लॉग नहीं करने वाला, उसके बाद कोई फ्लाइट है, फ्लाइट से पहुंचेंगे दिल्ली, दिल्ली से पहुंचेंगे अपने शहर देहरादून। बस इतना ही था मेरी तरफ से, मजा आया तो लाइक मार देना, बाय बाय, सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो तुम्हें पता ही होगा।